हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गाने से हमारी फिल्म रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, तो फिल्म का नाम है शंकर, ठीक है। और शंकर एक अलग ही अवतार होता है, रुद्र होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे बड़े भाई यश भी आए हुए हैं, लेकिन इनका अलग ही सिस्टम है कि मैं अलग ही चीज़ें करता हूँ, अलग ही टाइप की फिल्म करते हैं। कोई प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें नहीं है कि वल्गैरिटी से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। अलग ट्रीटमेंट की फिल्म है शंकर के नाम से फिल्म। जी, यश जी के किरदार के बारे में कुछ बताइए, ये तो अभी जस्ट हम 7 तारीख से शूट करने जा रहे हैं। जब मीडिया में फैलेगी चीजें, स्टिल फैलेगा, तो सबको पता चल जाएगा कि लुक क्या दे रहे हैं। लेकिन अभी भी 7 दिन है, इंडस्ट्री में रातों रात कॉपी हो जाती है, लेकिन अभी हम बता करके कुछ ओपन नहीं कर सकते। रातों रात एक गाने को 4 गाने भोजपुरी वाले बना देते हैं, तो अभी भोजपुरी से मैं भी हूँ, तो कुछ चीजें थोड़ा सा रखेंगे सस्पेंस, 7 दिन बाद हम देंगे आपको। क्या ऐसी खासियत थी कि यश जी को इस किरदार के लिए आपने चुना? देखिए, सबसे पहले तो एक डायरेक्टर और एक हीरो का अलग खासियत होता है, एक होता है कि हम काम करेंगे, चीज़ों को समझना ना समझना एक बात की बात होती है, लेकिन सबसे पहले होता है कि एक्टिंग को समझना बहुत बड़ी जरूरी बात होती है। और इंडस्ट्री की बात बताऊँ कि बहुत सारे एक्टरों से मेरी जान पहचान है, बहुत सारे फ्रेंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि किरदार को पकड़ करके निभाना। जैसे कि भैया की अभी फिल्म आई थी बिटिया छठी माई थी, एक फिल्म को 3.5 घंटा की जो फिल्म जर्नी होती है, एक फिल्म पकड़ेंगे आप स्टार्ट से तो एंडिंग तक आपको वही मिलेगी। लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता होता कि एक दिन से लेकर के और 20 दिन 25 दिन उसी किरदार में इंसान को डूबना पड़ता है। तो एक्टिंग की कदर वो होती है। अब जिसको हम बोले कि नहीं आपको एक्टिंग ये है, वैसे नहीं हो पाती पब्लिक के सामने, तो फिर वो डायरेक्टर को समझना बड़ी मुश्किल पड़ जाती है आर्टिस्टों को लेकर के। ये चीज़ें होती है कि एक गठित चीज़ें काम करने को लेकर के। नहीं, इससे पहले भी फिल्में मैंने की है और भी आगे आगे हैं, सारी चीजें सामने हैं। जी, कब से फ्लोर पे जाएगा और शूटिंग कहाँ होगी फिल्म की? शूटिंग हम लोग बनारस से कुछ ही दूरी पे है, मिर्जापुर चुनार किला वगैरह बहुत सारे लोकेशन है जो यूपी में बढ़िया बढ़िया किले हैं, वहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। 7 तारीख से हम शूट कर रहे हैं, कैमरा ऑन कर रहे हैं 7 तारीख से। मिर्जापुर अपने आप में ही दबंगई क्षेत्र माना जाता है, क्या कुछ खास उस लोकेशन पर होगा? नहीं, खास लोकेशन तो है, लेकिन एक्चुअली जो मेरे स्क्रिप्ट की मांग थी उस हिसाब से उन्होंने लोकेशन ढूंढा। हमने बहुत सारे जगह गए, सोनभद्र गए हैं, बहुत सारे जगह यूपी में, गोरखपुर साइड में भी गया। ऑलरेडी मैं नेपाल से हूँ, तो मैं नेपाल में भी कोशिश कर रहा, लेकिन उस टाइप की जिस टाइप की मुझे कॉन्सेप्ट मांग रही है उस टाइप से चट्टान उनको मिले नहीं। फिर भी मैंने जाकर के मिर्जापुर में देखा तो मुझे वहाँ पे परफेक्ट मिला, इसलिए मैं मिर्जापुर। एक्चुअली शिव के बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पे, एक्चुअली वहाँ पे मेरी फिल्म है शंकर। आपको बता दूँ कि इस घर से बड़ा शिवलिंग है, इतना बड़ा पूरा शिवलिंग है। वहाँ पे कम से कम एक दिन में 15 आदमी उनको धोने के लिए लगते हैं, पूरी प्रॉपर धो करके, चांदी का पूरा प्लेट है वो। जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो बहुत मजा आएगा कि कुछ नया चीजें निकाल कर आई है बिहार, यूपी बिहार से। ये चीजें हैं। कुछ गाने के बारे में बताइए, गाने तो 8 हैं और म्यूजिक ओम झा दे रहे हैं, बाकी सब मार्केट के सिंगर गाए हैं। कुछ भैया मेरे भी गाने वाले हैं, बोले कि मैं भी गाऊंगा, अब देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस हिसाब से गाएंगे। आज पहला गाने से स्टार्टिंग था हमारी फिल्म। मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं पहली बार इनके साथ काम करने जा रहा हूँ, बट इनके कहानी का नरेशन से समझ में आ जाता है कि डायरेक्टर क्या कर सकते हैं। आप जब कोई भी डायरेक्टर मुझे कहानी सुनाने आता है तो मैं पहले देखता हूँ कि वो मुझे सिनेमा दिखा पा रहा है कि नहीं। एक डायरेक्टर की पहली काबिलियत यही होती है कि जब वो एक्टर को कहानी नरेट करते हैं, जब कहानी सुनाते हैं, तो वो पूरा सिनेमा दिखाना चाहिए। तो मुझे सूरज बाबू से इतना ही कहूँगा कि इन्होंने एक सिनेमा दिखाया है मुझे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी जो शैली है, बाकी की जो तैयारियां हैं इनकी, जो दिखाते हैं कि हम इस तरीके का हथियार यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़, तो इससे लगता है कि एक डायरेक्टर की प्री प्लानिंग बड़ी अच्छी है। और इस प्री प्लानिंग के लिए मैं खुश हूँ और इनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि 7 तारीख से जो हम एक आगाज करने जा रहे हैं तो उसका अंजाम बड़ा सुखद हो, बेहतर हो, और इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.